पीड़ित परिवार जो का ये बयान है कि लगभग लगभग 25-30 लोग जो पुलिस वाले खुद को बता रहे थे, हालांकि सादी वर्दी में थे, वो घुसे, उन्होंने मारपीट करी और सीधे तौर पे ये कहा कि तुम लोगों के लिए दो ही जगह है, या तो कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये दावा वो परिवार का। नहीं, ये देखिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने इस तरीके स्लोगन संघ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, इनके जुड़े हुए लोगों की तरफ से कई बार सुने हैं, और इनसे प्रभावित पुलिस और अधिकारियों में भी ये नारे हमने बहुत बार सुने हैं, कोई नया नहीं है ये। मैं तो बल्कि 1986-87 से सुनता चला आ रहा हूँ, और इस संघ से, इनसे प्रभावित जो हमारे यहाँ सांप्रदायिक कम्युनल लोग हैं, उनको आप कभी कमरे में बैठ के बात कर लीजिए तो इसी तरीके की बात करते हो। उसमें अधिकारी, पुलिस वाले तो कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि पुलिस वालों को क्या होता है, देखिए पुलिस वाला क्या है, आधा ही से ज़्यादा पुलिस तो हमारी भ्रष्ट है, वो अपना भ्रष्टाचार कैसे बिठाए। तो सबसे पहले आप कोई ना कोई राष्ट्रवादी टाइप का नारा ले लो और दिखाओ कि साहब हम तो ऐसा काम करते हैं जिसमें हम पे सवाल ही ना पूछे जाएं। मैं इतना आपको बताऊंगा, जितनी ज़्यादा भ्रष्ट संस्था है उतनी ज़्यादा वो राष्ट्रवाद की और कम्युनल की बातें कहती फिरेगी, क्योंकि यही एक अमली जामा है जिसमें वो अपने काले करतूतों को छुपा लेते हैं। जब कभी पुलिस या कोई फौज इस तरह के नारे लगाए, समझ लो कोई ना कोई काली करतूत अपनी वो छुपा रही है। इसलिए इन लोगों का ये दावा करना मेरे को आश्चर्यचकित नहीं करता है। ऐसा एक ही नहीं, ऐसे हजारों दावे होते हैं,